नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और इस वक्त मैं मौजूद हूं बट आर के श्रम नियोजनालय कार्यालय के पास में। और आपको बता दें कि आज श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा दत्तोपन ठेंगड़ी रोजगार मेला लगा हुआ है। और यहां पर जो युवा हैं, धनबाद के जितने भी युवा हैं, वो भारी मात्रा में आकर अपना अपना नाम रजिस्टर करा रहे हैं अलग अलग स्टॉल्स पे। और यहाँ पर कुल 23 स्टॉल्स लगाए गए हैं, मतलब 23 कंपनियाँ आई हैं यहाँ पर रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए। और इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ है, ये धनबाद की DC द्वारा कराया गया। तो चलिए हम सीधे जुड़ते हैं धनबाद की उपायुक्त माधवी मिश्रा से और जानते हैं कि इस कार्यक्रम का क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है और क्या इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी है। आज श्रम विभाग की ओर से एक दिवसीय दत्तोपन ठेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन यहाँ धनबाद जिले में किया गया है, जिसमें 23 एम्प्लॉयर्स आज अपना स्टॉल लगाए हुए हैं। और यहाँ पर जो भी उपस्थित युवा युवतियाँ हैं, उनसे हम लोगों ने अनुरोध किया है कि सारे स्टॉल में जा करके अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अपने अनुभव के आधार पर जो भी उनके लिए रोजगार उपलब्ध है उसको प्राप्त करें। लगभग 4000 के लगभग युवाओं को आज हम लोगों ने यहाँ पर रोजगार मुहैया कराया है, जिनके लिए नियुक्ति पत्र बहुत जल्द झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो अभी हमारे साथ जिला नियोजन पदाधिकारी जुड़ रहे हैं आनंद कुमार जी। तो चलिए सीधे हम इन्हीं से जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम है ये किस चीज़ के बारे में है और क्या कुछ यहाँ के युवाओं को इससे फायदा मिलने वाला है। नमस्कार सर। नमस्ते। बताइए ये कार्यक्रम किस बारे में है और क्या फायदा मिलेगा? यहाँ पे झारखंड में यहाँ पलायन का बहुत समस्या रहा है और हमने कोरोना काल में भी देखा है। तो इस तरीके से सरकार के द्वारा जो 75% अधिनियम लाया गया, झारखंड स्थानीय नियोजन अधिनियम 2021, नियमावली 2022, उसके क्रम में हम लोगों के द्वारा यह प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा। और हम लोगों के द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है कि जितने भी यहाँ एम्प्लॉयर हैं, जहाँ पे भी जो प्रतिष्ठान में 10 या 10 से अधिक एम्प्लॉय कार्यरत हैं, उनका निबंधन हो यहाँ पर। और उनके पास जो भी वैकेंसीज़ आती है, अब जितने भी न्यू वैकेंसीज़ अराइज हो रही हैं, उसमें उन लोगों को 75% दे हैव टू टेक लोकल कैंडिडेट्स, उनका लेना सुनिश्चित करना है। और ये लोकल की परिभाषा में आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ कि जो स्थानीय प्रमाण पत्र है, जो सर्कल ऑफिसर द्वारा निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र है, उसी को हम लोगों के एक्ट में स्थानीय माना गया है। आधार कार्ड और पैन कार्ड, वोटर कार्ड को हम लोगों ने मान्यता नहीं दी है। तो आज जितने भी मेले में नियोजक आए हैं, उन लोगों से अनुरोध है कि किया गया है कि वो जो भी सिलेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ के लोकल स्थानीय युवाओं को प्रेफरेंस देते हुए 75% का अनुपालन करते हुए उन लोगों को नौकरी पे रखा जाए। कितनी कंपनियाँ आई हैं आज यहाँ पे? 23 कंपनियाँ आई हैं, जिसमें कि 12-13 कंपनियाँ यहाँ की धनबाद ज़िले के ही कंपनी हैं, जो कि लोकल स्तर पर आफ्टर सिलेक्शन दे विल गिव ऑफर लेटर एंड सिलेक्शन विल बी फॉर लोकल धनबाद डिस्ट्रिक्ट ओनली। नॉन मैट्रिक भी है, और लोएस्ट में मैं बोलूँगा नॉन मैट्रिक भी है, और हाईएस्ट में आपका BTech, MTech और BEd जो तमाम किए हुए हैं, जितना मेडिकल लाइन का डिग्री है, ANM, GNM की मैनेजमेंट MBA कोर्सेज हैं। तो ये सारे कंपनियाँ, हमारा प्रयास रहा है कि रोजगार मेला में कभी पहले देखा जा रहा था कि क्वालिटी जॉब्स नहीं आ पा रही थी, उसका स्कैर्सिटी था, लोग का ये कंप्लेन रहता था कि क्वालिटी की इश्यूज़, तो उस पर भी हमने वर्कआउट किया है, क्वालिटी कंपनियों का लाना सुनिश्चित किया है विद क्वालिटी हैंडसम सैलरी, ताकि लोग को एक अच्छा जॉब ऑफर मिल सके, और इन सब चीज़ों का हमने ख्याल रखा है। लोएस्ट की मैं बात करूँ तो लोएस्ट जो हमारा सरकार का मिनिमम वेजेस एक्ट कहता है, डिफरेंट कैटेगरी में अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, हाई स्किल्ड, ये सारे कैटेगरी में जो आपका मिनिमम वेजेस है उतना तो मिलेगा ही, उससे नीचे देने पे वो एक्ट का वायलेशन है मिनिमम वेजेस का। तो हम लोगों के द्वारा एक शपथ पत्र भी लिया गया है नियोक्ता से, ताकि वो चैन के उपरांत जो भी लेबर लॉज है, इसके वेजेस का या फिर अन्य PF का जो भी उनका जो सोशल सिक्योरिटी भी है, वो भी हैम्पर नहीं करे, और उसको देखते हुए इनको चैन करना है। ये हमारा धनबाद में, आपको बता दूं कि हमारे नियोजनालय में धनबाद, ये हमारे धनबाद में 3 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, धनबाद अवर प्रादेशिक नियोजनालय धनबाद है, और नियोजनालय सिंदरी है, नियोजनालय कुमारडूबी है। तो ये 3 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रनिंग है, फंक्शनिंग है हमारे धनबाद डिस्ट्रिक्ट में।
और यहाँ पे हमारे धनबाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कुल 60,000 युवा रजिस्टर्ड हैं, जिनको SMS के माध्यम से हमारे तरफ से सूचना जाती रहती है। किसी भी प्रकार का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, रोजगार मेला होता है, अप्रेंटिस मेला होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के द्वारा SMS के द्वारा उन लोगों को मिलता है। और हमारा जो पोर्टल है jharniyojan.jharkhand.gov.in, उस पर वो जाके अपना निबंधन करते हैं और इस पोर्टल पर एम्प्लॉयर भी रजिस्ट्रेशन करते हैं और कैंडिडेट भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, ताकि एक तरीके का झारखंड सरकार मैच मेकिंग का काम कर रही है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड कैंडिडेट्स। तो और अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि हमारा जो झार नियोजन पोर्टल है वो काफ़ी बेहतर तरीके से बनाया गया है, जिसमें कि झारखंड की जितनी भी कंपनियाँ हैं रजिस्टर्ड है हमारे पोर्टल पर, उनका कुछ भी वैकेंसी नोटिफिकेशन आता है तो कैंडिडेट्स उसको लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड पर स्वयं भी देख सकते हैं कि कौन सी कंपनियां में कहां वैकेंसी ओपनिंग है और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और उसके बाद वो जिनको अच्छा लगता है वो अपने अकॉर्डिंग टू सूटेबल क्वालिफिकेशन वो उसमें अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद उनको इंटरव्यू रिटेन का कॉल आता है, उसके बाद उसको उनको चयन कर रखा जाता है। तो काफ़ी अच्छा प्रयास है हम समझते हैं सरकार के द्वारा हमारे तरफ। तो जैसा कि धनबाद की उपायुक्त माधवी मिश्रा और जो जिला नियोजन पदाधिकारी हैं आनंद कुमार, उन्होंने बताया है कि ये जो कार्यक्रम है, ये जो रोजगार मेला है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि झारखंड के जितने भी जो युवा हैं, युवा वर्ग के लोग हैं, वो लगातार रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए इस तरह के रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है, ताकि यहाँ के युवाओं को यहाँ पर ही रोजगार मिल सके। चलिए हम कुछ युवाओं से जुड़ते हैं जिन्हें अभी अभी ऑफर लेटर मिला है और जानते हैं उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सन ब्रेड मैन पावर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड बेंगलोर में हमारा सिलेक्शन हुआ है। हम कैंपस में यहाँ लगातार आते रहते हैं, इसी वजह से हमका आज मेरा सिलेक्शन हो चुका है। 3 साल से मेरा हो गया करीबन एग्जाम, मतलब क्या बोलते हैं ITI पास हुए, मतलब 2 साल हुआ है, मतलब कैंपस के आने में 3 साल हो गया है। यहाँ पर गोमो से हैं, गोमो धनबाद से हैं। मैम अभी तो चल रहा है कि सन ब्राइट मैन पर थ्रू होंडा मोटर्स में जब मिलने के मतलब ऑफर मैटर लिया। अभी इस रोजगार मेला में बहुत आनंद हो रहा है, खुशी हो रहा है कि कम से कम जॉब मिलने का ऑफर मैटर मिला। कितने सालों से आप इस रोजगार मेले में आ रहे हैं? करीब 3 साल से हो गए। मैं तीन साल से आ रहे हैं, मतलब कि बोकारो हुआ, धनबाद हुआ, अपना हजारीबाग हुआ। मैं बोकारो से आया हूँ। धनबाद से आए हैं, हाँ, दिरसा धनबाद। यहाँ पे पहली बार रजिस्ट्रेशन कराया? हाँ, पहली बार आए हम लोग। अभी तो फिलहाल अच्छा ही लग रहा है, अब देखिए इसमें जॉब लगता है कि नहीं लगता है, ये तो बात की बात है। अभी आपने बस रजिस्ट्रेशन कराया? हाँ, रजिस्ट्रेशन करा, फिलअप किया फॉर्म वगैरह, जितने भी उनका प्रोसेस जो होता है वो सब किए हैं। हाँ, बेनिफिशियल तो है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी जितने भी हैं बच्चे, जो भी स्टूडेंट हैं, वो सारे पढ़ाई करते हैं, फिर उनको जॉब कैंपस वगैरह नहीं लगता है, तो इसके थ्रू बहुत बच्चे को क्या कि रोज़गार मिल सकता है, तो इसीलिए ये बेनिफिशियल है। धन्यवाद। हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी था कि जो भी बेरोजगार, जिनको जॉब नहीं मिला, इनके लिए अच्छा ऑफर है ये चीज़, सारा कंपनी आके वो विजिट करके वो देख सकते हैं उनके लिए कैसा है कैसा नहीं। अभी आपने क्या किया, रजिस्ट्रेशन हो गया? हाँ, रजिस्ट्रेशन हो गया। हाँ, कर लिए। क्या अपनी बारी का वेट कर रहे हैं? हाँ, वो बोले हैं कि कॉल करेंगे, तो अब कॉल का वेट करना पड़ेगा। कि जब यहाँ पे युवा रोजगार के लिए आए हुए हैं तो यहाँ बोला जाता है कि पहले एक्सपीरियंस देखा है, जब एक्सपीरियंस अगले के पास रहेगा तो यहाँ क्यों आएगा 10,000-12,000 में? खुद वो बेरोजगार है तब ना आपके पास आ रहा है। सरकार यहाँ पे चुतिया बना रही है लड़कों को। यहाँ पे लड़के जा रहे हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्सपीरियंस ला के दीजिए 3-4 साल का, तो अगला के बाद जब एक्सपीरियंस रहेगा तो आपके पास क्यों आएगा रोजगार मांगने के लिए? यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है युवाओं को, टाइम वेस्ट हो रहा है, सिर्फ आदमी को परेशान करने का काम कर रही है यहाँ पे सरकार। रोजगार वगैरह देना नहीं है, बस सिर्फ युवा को भटकाने का काम कर रही है। यहाँ पे अगर कहीं देना है रोजगार तो उसके शिक्षा पर दे। अब आवासीय मांग रहे हैं, आवासीय के साथ में अब एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं, बोर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस अटैच कीजिए। जब मेरे पास एक्सपीरियंस है तो हम आपके पास क्यों आएंगे 10,000-12,000 की नौकरी के लिए? यहाँ पे बोर्ड लगा दिए आर्मी रिटायर के पास, आर्मी रिटायर जो रहेगा वो आपके पास क्यों आएगा 12,000-10,000 का नौकरी के लिए? उसके पास कम मिलेगा पेंशन और PF, जो आपके पास आएगा 8,000-10,000 के लिए। सरकार को इस पर नज़र देना चाहिए कि हम क्या गलती कर रहे हैं।
सिर्फ रोजगार मेला लगा देने से रोजगार नहीं मिलता है, आगे भी देखना पड़ता है। यहाँ पे आवासीय मांगिएगा, एक्सपीरियंस मांगिएगा, कहाँ से लाएगा? उसके पास जब वो जॉब ही नहीं किया है तो फिर एक्सपीरियंस कहाँ से लाएगा? और जब वो जॉब किया रहेगा तो फिर आपके पास क्यों आएगा जॉब मांगने के लिए? तो जैसा कि हमने कुछ युवाओं से भी बातें की तो यहाँ पर कुछ युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर भी मिल गया है, लेकिन कुछ युवा यहाँ पर अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी आने का और कॉल आने का कंपनीज की तरफ से। वहीं दूसरी ओर कुछ युवा ऐसे भी हैं जिन्हें नाराज़गी है इस बात पर कि यहाँ पर जो स्टॉल्स हैं यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है स्टूडेंट से, जो युवा हैं उनसे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, और उनका यही कहना है कि अगर उनके पास एक्सपीरियंस रहेगा तो वो जहाँ पर काम कर रहे हैं वो वहीं पे काम करेंगे ना, यहाँ पर आ कर के और जो चंद सैलरी है उसके लिए फिर ये क्यों आएंगे इस तरह के मेले में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें इसकी कमी जो है ये यही है कि यहाँ पर युवाओं से एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, और कुछ युवा ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई करके जस्ट निकले ही होते हैं और वो एक फ्रेशर होते हैं, तो ऐसे में ये आप कह सकते हैं कि इस ये जो रोज़गार मेला है इसका एक ड्रॉबैक यही है कि यहाँ पर शायद जैसा कि युवाओं ने बताया कि फ्रेशर्स को बहुत ही कम मौका दिया जाता है, और अगर मौका दिया भी जाता है तो सैलरी बहुत कम ऑफर की जाती है, तो ये इसका एक कह सकते हैं कि एक ड्रॉबैक है इस मेले का। तो देखना अब ये है कि सरकार जो है इन चीज़ों पर कब काम करती है, चूँकि युवा जहाँ खुश हैं वहाँ नाराज़ भी हैं, तो किसी भी हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो अच्छा पहलू यही है कि यहाँ के युवाओं को यहाँ पे मौका मिल रहा है रोज़गार पाने का, लेकिन बुराई इसमें यही चीज़ है कि यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है युवाओं से, तो एक्सपीरियंस वो कहाँ से लाएंगे जब पढ़ के निकले ही हैं। तो अब देखना ये है कि सरकार इस पर क्या आने वाले सालों में कदम उठाती है और इस पर क्या ध्यान दिया जाता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया, सहयोगी नितिश के साथ प्रिया पांडे।